कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 4 टी टी टी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे। हमारा क्वेश्चन है द मीनर है स्टार्टेड फ्रॉम टू, मीनर है टू से चलना स्टार्ट करता है। हाउ मेनी मीनर्स ही टेक टू कम बैक टू टू अगेन। अगर जो हमारा मीनर है ने वो टू से चलना स्टार्ट करता है, वो फिर से टू नंबर पे आता है तो कितने मिनट लेगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्लॉक मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है, उससे मैं आपको बताती हूँ। मिनट है यहाँ पे टू नंबर पे है और वो टू नंबर से चलना स्टार्ट करता है और वापस वो टू नंबर पे फिर से आ जाता है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होते हैं, जब ये मिनट है टू से थ्री पे जाएगा तो 5 मिनट होंगे। देन 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये हो गया 60। तो क्या होगा, मिनट हैंड जब जाके वापस राउंड आएगा तो वो 60 मिनट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 60 मिनट। ओके, क्या पूछा गया था इसमें, मिनट हैंड टू नंबर से चल के स्टार्ट करता है फिर वापस टू नंबर पे आता है तो कितना मिनट होता है। तो यहाँ पे आएगा 60 मिनट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनट है पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड, डज इट आल्सो मूव। अगर आवर हैंड जो है वो हमारा मूव कर रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू यहाँ पे पूछा गया है। जो हमारा ओवर हैंड है, जो हमारा शॉर्ट हैंड है, वो 1 नंबर से जो नेक्स्ट नंबर ले जाएगा तो वो कितना टाइम लेगा। ओके, तो समझ लीजिए हमारा शॉर्ट हैंड है वो 2 है, 2 से वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा मीन्स वो 3 नंबर पे जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मिनट हैंड जो है वो पूरा एक राउंड करता है तभी हमारा शॉर्ट हैंड जो होता है ओवर हैंड जो होता है वो 1 नंबर से नेक्स्ट नंबर पे चलता है। ओके, मीन पावर हैंड को एक फर्स्ट नंबर से कोई भी नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए कितने मिनट का टाइम लगता है, 60 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में आपको नेम ऑफ द मंथ, मंथ के नेम आने चाहिए। ये चीजें आप लोग थर्ड में भी कर चुके हो तो भी यहाँ पे हम उसे रिपीट करेंगे। तो देखिए हाउ मेनी मंथ इन ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ये तो आपको पता है, और 12 मंथ कौन कौन से होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए हमारे 12 मंथ। और हम किस मंथ में कितने डे होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 और 29 डेज, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सेप्टेम्बर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 डेज एंड दिसंबर में 31 डेज। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो एक आपको लास्ट ईयर मैंने बताया था कि स्टेप्स मेथड होती है जिससे आप लोग जनवरी फरवरी मार्च करके आपको पता चल जाता है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। और मैंने एक आपको दूसरी मेथड भी बताई थी कि आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आपको लर्न करेगा कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये 4 मंथ ऐसे हैं जिनमें ओनली 30 डेज होते हैं। कौन कौन से, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इनमें 30 डेज होते हैं। और एक फरवरी मंथ जो होता है उसमें 28 डेज होते हैं और बाकी जितने भी
मंथ हमारे रह गए हैं, उनमें सब में 31 डेज होंगे। तो देखिए अगर मैं आपको पूछती हूँ हाउ मेनी डेज इन अप्रैल मंथ, तो पहले ये 30 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज इन दिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे 31 डेज। हाउ मेनी डेज इन मे, मे में कितने होते हैं, तो मे में भी 31 होते हैं। हाउ मेनी डेज इन नवंबर, 30 डेज, क्योंकि आपको ये लर्न हो चुका है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले से ही देख रहे हो कि जब भी आप लोग नोटबुक में कोई नया कुछ करते हो या आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग डेट डालते हो, तो डेट किस टाइप से डालते हो, हम जब भी डेट डालते हैं तो डेट में 3 पार्ट होते हैं। आपको पता चलना चाहिए कैसे डेट डालते हैं। थैंक यू।